गुड मॉर्निंग, वेलकम इन इंग्लिश रीडर क्लास, चैप्टर 7, इंडियन नाइटेंगल, सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू वॉज अ पोइटिस हु टुक एक्टिव पार्ट इन इंडियन फ्रीडम. जिन्होंने भारत, सरोजनी नायडू एक महान कवयित्री थी और जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही सजग सहयोग दिया. She took part in the salt satyagraha also and the round table conference. उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन और गोल मेज आंदोलन था उसमें भी भाग लिया. She became the first governor of उत्तर प्रदेश. वो भारत, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बनी, राज्यपाल बनी. Mrs. सरोजनी नायडू was a great woman. वो एक महान महिला थी. शी वॉज बोर्न ऑन 23 फरवरी 1879 एट हैदराबाद इन साउथ इंडिया. मिसेस सरोजनी नायडू एक महान महिला थी. उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद, दक्षिण भारत में हुआ. हर फादर वॉज डॉक्टर अगोहर नाथ चट्टोपाध्याय. सिंस हर चाइल्डहुड सरोजनी नायडू वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट. बहुत ही बचपन से ही बहुत होनहार छात्रा थी. शी वॉन स्टेट स्कॉलरशिप. उन्होंने राज्य की छात्रवृत्ति भी जीती जिससे वह इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गई. देयर शी स्टडीड फॉर 3 ईयर्स. शी रोट मैनी पोम्स इन इंग्लिश. सर एडमंड गोज An Englishman was surprised to read her poems. वहाँ रहते हुए एक अंग्रेज़ सर एडमंड गोज जो थे वो उनसे बहुत ही उनकी पोइम्स पढ़ के बहुत हैरान हुए. उन्होंने उनको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि वो और कविताएँ लिखें. सरोजनी नायडू रोट मैनी मेलोडियस पोइम्स ऑन इंडियन टॉपिक्स एंड नेचर. उन्होंने बहुत पोइम्स लिखी, बहुत ही मधुर कविताएं लिखी भारतीय विषयों पर और प्रकृति पर. शी ऑल्सो अर्न द टाइटल द नाइटिंगल ऑफ इंडिया. उनको ये उपाधि भी मिली, भारत की स्वर कोकिला. मिसेस सरोजनी नायडू स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 12. मिसेस सरोजनी नायडू ने लिखना 12 वर्ष की उम्र में प्रारंभ किया. शी रोट 3 बुक्स ऑफ पोम्स. They are the golden threshold, the birth of time, the broken wing. They all tell about Indian life. वो सभी भारतीय जीवन के बारे में बताती थी. Besides these, she wrote some plays also. उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे. सरोजनी नायडू ग्रेट लव फॉर हर कंट्री. उनका भारत देश, अपने देश के प्रति बहुत प्यार था. शी डिसाइडेड टू डिवोट हर सर्विस टू हर मदरलैंड. उन्होंने अपनी सेवा भारत, अपनी देश मातृभूमि के प्रति समर्पित करने का निश्चय किया. शी टुक एक्टिव पार्ट इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट. उन्होंने भारतीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया, पार्ट लिया, भाग लिया. शी पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 एंड वॉज गांधी जी मोस्ट फेथफुल कंपेनियन. वो गांधी जी की बहुत ही भरोसेमंद साथी बनी, सहयोगी बनी. शी वेंट टू इंग्लैंड विद गांधी जी एज अ मेंबर ऑफ डेलीगेशन अटेंडिंग. वह चुने हुए समूह में उन्होंने भाग लिया, बनी द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. उन्होंने वह चुनी हुई समिति में तो थे ही सही और वहाँ जाकर गांधी जी के साथ गोलमेज आंदोलन में भी भाग लिया. शी प्लेड अ लीडिंग रोल ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. उन्होंने एक नागरिक उल्लंघन, जो आज्ञा को नहीं मानते थे सेवक, जो नागरिक, उनके प्रति एक सम्मेलन में भी भाग लिया. And was jailed along with Gandhiji and other leaders.
वो अन्य लीडर्स और गांधी जी के साथ, लीडर्स मीन्स जो राजनेता थे, उनके साथ जेल भी गई। इन 42 शी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जे उनको कैदी बनाया गया। सरोजनी नायडू वॉज लाइक्ड बाय ऑल, उनको सब पसंद करते थे। ड्यू टू हर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, बाय हर सिंपल बिहेवियर, उनका सोचने का तरीका, उनका सादा व्यवहार, लोग उनको पसंद करते थे। शी वॉज एबल टू रिड्यूस टेंशन अमंग द पार्टी वर्कर्स, वो अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनकी चिंताओं को समाप्त करने में भी योग्य थी। शी वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ हर कंट्री। आफ्टर द इंडिपेंडेंस सरोजनी नायडू बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई। शी प्रूव्ड टू बी अ वेरी एबल गवर्नर, उन्होंने यह साबित किया कि वो एक बहुत ही योग्य राज्यपाल थी। शी पास्ड अवे ऑन 2 मार्च 1949, उनका 2 मार्च 1949 को देहांत हो गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।